हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स मैथ्स में कल तक अपन पढ़ चुके थे राउंड ऑफ और एस्टिमेशन के बारे में, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 1.4 वो पूरी मैंने होमवर्क में दी थी, केवल क्वेश्चन नंबर 5.4 जो है वो छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 इसका एक्सरसाइज 1.4 का पेज नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं। कितना पेज नंबर था उसका? पेज नंबर 18। तो क्या था? लिस्ट ऑफ द नंबर विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, एस 420। तो 420 किस किस का नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ है? तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, नंबर लाइन बनाएंगे 420 है ना, तो यहाँ 410 लिखेंगे, इधर 420 लिख दो और एक को लिख दो 430, ठीक है। अब 420 राउंड ऑफ होगा एक तो 425 का, 425 से ऊपर जितने भी नंबर है उन सबका राउंड ऑफ कौन होगा? 425 से ऊपर जितने भी नंबर है 15 से ऊपर जितने भी नंबर है उन सबका राउंड ऑफ कौन होगा? 420। और इधर 425 से छोटे जितने भी नंबर है उन सबका राउंड ऑफ कौन होगा? 420, क्योंकि ये 425 का राउंड ऑफ किसका हो जाएगा? 430 हो जाएगा, ठीक है। इसका राउंड ऑफ अगर करोगे तो 430 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर में 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, ठीक है। 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 तो इधर चला जाएगा, ठीक है। 25 का राउंड ऑफ तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे एक तो होगा 424, ठीक है। तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया ही, तो इसका भी राउंड ऑफ हो गया ही। तो यहाँ से 416, 417, 418, ठीक है, 419 ऐसे चलेगा। अब इसके बाद में एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगले टॉपिक क्या है? एस्टिमेट द सम। अब एस्टिमेट अपने को सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट इनका एस्टिमेट करना है, सम का, डिफरेंस का और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको तो बता दें एक्सरसाइज के विभिन्न एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल कौन से पेज नंबर से? 18 पे। क्या बोला उसने? एस्टिमेट द सम ऑफ 4390। अब क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट एस्टिमेट द सम ऑफ सम ऑफ 4900। एस्टिमेट द सम ऑफ 4390 प्लस 16825। इन दोनों के सम का अपने को एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले 4000 है और ये 16000 है, इन दोनों को राउंड ऑफ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 4390 इज राउंड ऑफ टू कितना होगा? राउंड ऑफ टू 4300। अगर 4500 होता तो ये अपना 5000 में चला जाता, लेकिन 4300 है तो कितने में जाएगा? 4000 ही रहेगा। उसके बाद 16825 इज राउंड ऑफ टू क्या हो जाएगा? 16000
800। अगर 16,500 भी होता तो भी ये 17,000 पे जाता, 500 से ऊपर ही है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 17,000। यहाँ हो गया 17,000। अब इनका अपने क्या करना था, सम करना था, तो प्लस कर लेंगे इनका, क्या हो जाएगा 0000 17+4 7+4 करो तो 11 कैरी 1, फिर यहाँ पर 1 कैरी है तो आ जाएगा अपना आंसर 21,000। ठीक, अब ये तो अपना एस्टिमेटेड सम है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम। लेकिन एक्चुअल सम क्या होगा उसको भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल सम किसको बोलेंगे अपन, एक्चुअल सम इक्वल 4,390 प्लस 16,825, दोनों का प्लस करो ये एक्चुअल सम आएगा। तो 5 एज इट इज 9+2 11 1 के लिए 1, ठीक है, तो 1+3 4 और एट 12 2 के लिए 1, 1+4 5+6 11 ठीक है, 1 तो 1+1 2 ठीक है। तो एक्चुअल सम हमारा अपना 21,215, लेकिन एस्टिमेटेड सम जो है उसका लगभग कितना हो रहा है 21,000। एग्जाम्पल टू, इन दोनों का एस्टिमेटेड सम अपने को फाइंड करना है। तो 624, अब 624 मतलब टेंथ में अपन इसको टेस्ट क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, सॉरी 624 इज राउंड ऑफ टू क्या आएगा 620 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना था 24 था, अगर 25 होता तो ये 30 में पहुंच जाता, ठीक है, 24 है इसलिए क्या हो गया 20। और 992 इज राउंड ऑफ टू क्या हो जाएगा 900, यहाँ पे 92 है तो 92 किसके राउंड ऑफ होगा 90 का, ठीक है, तो 990। इन दोनों का अपने को सम निकालना है, तो 0 9 2 11 81 1+6 7 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, आंसर हो जाएगा अपना 1610। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और थर्ड आपको करना है। तो होमवर्क में क्या हो जाएगा, होमवर्क में इसका सेकंड और थर्ड ये दोनों होमवर्क। इसके बाद आते हैं अपन एग्जांपल थर्ड। इसमें क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर अपने को माइनस करना है, मतलब क्या करते हैं प्लस, तो माइनस में भी सेम ही कंडीशन है, फर्स्ट वाला इसका देख लेते हैं 756 माइनस 378। तो सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, इसका सॉल्यूशन 756 इज राउंड ऑफ टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास टेंस में देखेंगे तो 56 लिखा हुआ है, 56 किसके पास में जा रहा है, 60 के पास में,
तो 700 क्या हो जाएगा, 60। अगर 55 भी होता तो भी 760, लेकिन यहाँ अगर 54 हो जाता तो क्या रहता, 750। 378, इस पर राउंड ऑफ करें, इस राउंड ऑफ टू, मतलब क्या होगा इसका 378 का, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 78 है, 78 तो 80 के पास में पहुंच गया है, तो 380 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अपने को माइनस करना है, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे जीरो, इधर सिक्स है, यहाँ एट है, छोटी डिजिट है, इधर से कैरी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा अपना 16 और यहाँ कितना बच जाएगा, सिक्स, ठीक है, 16 में से 8 माइनस करो तो 8 हो जाएगा, इधर 6 हो गया, 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, ये अपना आंसर। इस टाइप से प्लस में भी राउंड ऑफ करना है, माइनस वाला भी राउंड ऑफ करना है। चलिए एग्जांपल 4, इसके मल्टीप्लाई में आपको राउंड ऑफ करना है, कैसे एग्जांपल 4 यहाँ पे करते हैं, 4 एस्टिमेट द प्रोडक्ट, मतलब ऐसी प्रोसेस है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 927 मल्टीप्लाई 376 बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। अब ग्रेटेस्ट प्लेस जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 1, 10, 100, ग्रेटेस्ट प्लेस हो रहा है 100, मतलब इसको 100 में अपने को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो 927 इज राउंड ऑफ इक्वल 927 है, अगर 950 होता तो ये 1000 में चला जाता, 100 के प्लेस पर राउंड ऑफ करना तो बिल्कुल ऊपर ही लग रहा है, तो ये तो 900 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 50 होता तो 1000 पे पहुँचता, 50 से छोटा ऐसे 376 इज राउंड ऑफ इक्वल कितना हो जाएगा, 376 है तो 400 हो जाएगा। अब दोनों का अपने को मल्टीप्लाई करना है, 900 मल्टीप्लाई 400 इक्वल 2000, ठीक है, 9 4 36, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 360,000, ठीक है। अब आप लोगों को 1.5 एक्सरसाइज पे वो पूरी करनी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज से कुछ भी अलग नहीं है, तो होमवर्क बहुत बड़ा रहेगा आज का, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है।